हेलो यूट्यूब लवर्स, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सरोज गोरा, स्वागत करता हूं फिर आपका मेरे इस ओपी शो में। तो आज का जो ओपी शो है वो बहुत ही खास होने वाला है, उसका टाइटल आपने पढ़ ही लिया है। जी हां, आज की जो वीडियो है वो है अमित बड़ाना की लेटेस्ट वीडियो, अमित की वर्षा बाय अमित बड़ाना। तो ये एक स्टोरी रूप में वीडियो है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। और ये अमित भाई के बर्थडे पर आई है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू अमित भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो ये वीडियो जो मैं है ये दो पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी है और वीडियो को हम समझ के प्ले करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, दो पार्ट्स में आएगी ताकि ये ज़्यादा लंबी ना हो, तो और दोनों पार्ट्स को हम समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पूरी वीडियो देखिए, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश, यहाँ तुम्हारे भाई का हुआ जन्म। और यहाँ जन्म लेते हैं नहीं, मुझे घर वाले ने दो चीज सिखा दी, एक बाहर किसी से भी पिट के मत ना आई हो, और दूसरा कभी भी किसी लौंडिया के चक्कर में मत ना पड़ी हो। पर मैं ठहरो 21वीं सदी का लौंडा। पहली बात तो मैंने उनकी मान ली, और दूसरी बात मैंने ऐसे इग्नोर मारी जैसे मेरी गर्लफ्रेंड का पापा मुझे इग्नोर करे। पापा बड़े खुश हो, मतलब तेरी चेली के भाभी बोल वर्षा भाभी, चार साल से तू लौंडिया के पीछे पड़ रहा है, प्यार ना होगा कोर्ट कचहरी की तारीख होगी, सुलट के ही ना दे रही यार। अरे यार तू तो कतई फटाफट है, और जब लोंडिया है राजी तो तोहे काहे बात की आ रही है पासी। रह पट में कर दूंगा तोहे म्यूट, तेरी भाभी है गनी क्यूट, लगे है वो हमेशा टॉप क्लास, चाहे पहने साड़ी या सूट। चल फटाफट 300 400 500 की स्पीड पे कैच। आज तेरी भाभी है, इतने गिफ्ट दूंगा इतने गिफ्ट दूंगा, वो भी सोचे कि कैसे गिफ्ट की दुकान ही खोल ली। खड़ा अपना यारी पंकज, पहली बार देखा लगता है। सारा जुगाड़ कर दिया अपने भाई का चढ़ने को छत पे। अंदर अंदर ये लाल परी छत पे खड़ी। नाम तेरा दिल पे लिखान ने फिरे, फोटो तेरी बटवे में लान ने फिरे, बन जाने मम्मी मेरे बाल का की तू, रोटी तेरे हाथा की ओ खान ने फिरे। नाम तेरा दिल पे लिखान ने फिरे, फोटो तेरी बटवे में लान ने फिरे, मेरी वर्षा। yeah. देख तेरे लिए कर दिया कितना खर्चा, खर्चा। तुझे देखने के लिए दिल है तरसा, कम क्या दिया, अब तो होगा एक अरसा। दूर से उड़ती उड़ती खबर आई है, लौंडिया नहीं तू तो मलाई है, आ गया इसका बाप। ओ मेरी लेडी, जो की कसाई है डैडी। ले भाई डैडी। अंकल जी नमस्ते, छोले खाओ सस्ते, मैं जाती यहाँ से हंसते हंसते लग गए अपने रास्ते। ओ भाई, अरे आराम से भाई, ये सेफ्टी से ले जाओ। वाह भैया, भैया बड़े हैवी ड्राइवर है तो भाई, तू सेफ तो है। वाह भाई, है कि नहीं ये तो देखो यार, कहाँ रहेगा फिर? मौत के कुआं में रहेगा ठीक है। अब आया पकड़ में है? अबे इससे बढ़िया तो इसके बाप से पिट लेता, दोस्त नहीं तुम हो नेता। पटक दू? नहीं जी, बैठ के बात कर लेते हैं, कुछ ले दे के खत्म कर लेते हैं। चलो तो ससुर जी। ससुर जी कोई बात है, माफ कर दो, गिर जाऊंगा।
कहा देख रहा है टुकुर टुकुर ससुर जी। प्रथम टेंशन मत ना लियो, मोहे तुम सुनना चाहिए एक रुपया भी दहेज का। आई ओनली वांट योर लड़की माई बहू बन जाए। तेरे बाप के बड़े एहसान है वरना तक तो टांगे तोड़ देता। कभी टांग तोड़ो है, कभी दिल तोड़ो, कभी को जोड़ भी लेकर। कितनी बार समझाया कि मेरी बेटी से उतना दूर रहकर जितना एक वेजिटेरियन आदमी चिकन और मटन से रहता है, किरायेदार मकान मालिक से दूर रहता है। क्या समझाऊं? अगर किरायेदार भगा ना तो मकान मालिक भूखा मर जाएगा। ना मैं तारा करम खामा काम होते रहो गरम। अपनी लोंडिया से भी पूछ लो प्यार करे नरम नरम। बिना काई बात के भी शरम क्यों? मेरा क्या होते हो गया कि मुझे शर्म आएगी? इस साल मैं उसकी शादी कर दूंगा। उसके हाथ पीले और तेरे कान लाल होने का टाइम आ गया। जो तारी लोंडिया और बताओ वर्षा कैसे आना हुआ मेरे ससुर जी के पास आपका? चाय में चीनी कितनी लोगे? चाय? ससुर जी कभी अपनी लोंडिया से भी पूछ ले कर कितना प्यार करेगी मौसु। अगर मैं अदरक हूँ तो ये चाय की पत्ती है, दोनों के बिना चाय अधूरी है। तुझी तू इसको चाय पिलाएगी? इसको इसको तो मैं भूषण पिलाऊंगा। गलत बात है वर्षा, मेरे लिए चाय लाइयो। तुम्हें पता नहीं मुझे नींबू पानी पसंद है, लेकर आऊ ना। चीनी गेर करना? हाँ जी आए मेरी जान। I love you वर्षा के पापा, लव यू ससुर जी, लव यू। आई लव यू। ये क्या लाया तू? बड़े पैसे आ रहे हैं जो गिफ्ट लेके आ गया। तुम भी ना कतई बुढ़िया के बाल की तरह फैलते ही रहो। अरे ये सब मैंने सोपसी ऐप से खरीदा है। ये क्या है? स्पॉन्सर। सुना पता तुम्हें? अरे ये फ्लिपकार्ट का ऐप है जिसमें सबसे कम दाम में खरीदने के साथ मार्जिन भी कमा सकते हो। एक ऑर्डर पे 5,000 रुपए तक और महीने के 30,000 रुपए से भी ज्यादा, वो भी बेस्ट प्राइस पे फैशनेबल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स खरीद कर। क्या बात कर रहा है यार? अरे बहुत भारी ऑफर है शॉपसी पे ससुर भाई, अपने शेरवानी यहीं से खरीद रहा। मेरे फेवरेट प्रोडक्ट शॉप करने पे ना हर घंटे 200 पर को मिलेगा 100% कैशबैक। उससे भी बड़ा ये देखो 3,00,000 से भी ऊपर दोस्तों, जिसमें आईफोन लैपटॉप स्मार्ट वॉच मिलेंगे। कैसे करना ये सब? बस शॉपसी ऐप डाउनलोड करो और करो शॉपिंग भी और अर्निंग भी। मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। वर्षा के सबसे छोटे देवर की कॉल आ रही है। विकास? हाँ विकास। परसों तो फिल्म देखने गया ना विकास? हाँ नोके 33-10 चल रही है तेरी, पूरे कॉलेज में तो लग गई है। प्रिंसिपल मैडम नाम काटने को कह रही। किसका? तेरा। भाभी का। वर्षा भाभी का। तू कटेगा पढ़े थोड़ी है तू, 100 की स्पीड से बदल दी। एक मिनट का 1.5 घंटे में एक मिनट ये लो अपनी लौंडिया दे दिया। ससुर जी के पास टच फोन है। पापा को पता चल गया ना मैं तेरे साथ बंक पे गई थी, वो तेरी छोड़ मेरी भी टांगे तोड़ देंगे। बाबू नाम है अमित बड़ाना, मास्टर भी क्या देखे ना पढ़ाना, लेकिन मुझे अच्छे से आता है प्रिंसिपल को समझाना, बढ़ाना का आना और बढ़ाना का जाना, ऐसे समझाना। अभी गया अभी आया। टेंशन ना लो, भाभी को पिज्जा बर्गर खिलाओ। चलो चलो आ ले भी बाबू। बस बचा लेना बाबू के बच्चे। बचा लेंगे नहीं भाई, मैं यहाँ नजर रखता हूँ और तू भाभी के पापा पे नजर रख। राइमिंग ज्यादा बढ़िया लगी मेरे को इसमें। संभाल लेना। अरे तू फोन काटेगा तभी तो मैडम को मिलाऊंगा मैं। अरे फोन जल्दी। मैम जी नमस्ते। फोन का से लाए यार नोकिया 3310। सिक्योरिटी। अरे क्यों परेशान हो रही है मैम? उठाओ उठाओ पहले, जल्दी उठा लो फोन कट जाएगा नहीं। है हेलो इस पे इयररिंग तो जी। नमस्कार जी आप कौन? मैं आपका विधायक दल बदल बात कर रहा हूँ। आपके सामने जो बैठा है ना अमित, छोटा भाई है बड़ा, माफ कर दो इसने। और मैडम जी वैसे भी जवानी में ये सब आपने भी और हमने भी बहुत किया है ना, गलत तो नहीं करा? एक्सक्यूज मी
अरे मैडम, इंग्लिश में बोलने से बात खत्म थोड़ी हो जाएगी। कल गांव के बच्चे भी यही करेंगे, फिर उनके बच्चे भी यही सब करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? शर्म क्या है मैडम जी? अब एक बात बताओ, क्लास में आपस में बात करने में शर्म की क्या बात है? क्लास में बात? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्लास बंक करके फिल्म देखने गए थे क्या? हाँ जी। अब आ तो विनायक भैया, नमस्ते। नमस्कार छोटे भाई। अपना विकास नहीं है, इसकी सिस्टर है वर्षा। वर्षा विकास की घर कब से होगी? नहीं, पिछले हफ्ते ही मैंने दोनों को भाईदान बनाया। वो विकास का कैरेक्टर थोड़ा खराब है ना। अच्छा जी। हाँ, पंकज की गर्लफ्रेंड ही बटा ली थी उसने। अरे तेरे दोस्त भी बड़े कमाल गए यार, दूसरे की तिजोरी में दिमाग साफ कर ले गए। कमाल है भाई। इतनी सी बात पे प्रिंसिपल मैम ने वर्षा का नाम काटने की धमकी दे दी। अरे ऐसे कैसे नाम काट देगी वो, जब तक विधायक दल बदल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक बार मुझसे बात करो ना प्लीज। तो नंबर भेज इसका, मैं बात करता हूँ अभी। थैंक यू भैया। इसका मतलब आप भी ऐसे अच्छे काम ही करते थे अपनी जवानी में, क्यों विधायक जी? अरे नहीं नहीं प्रिंसिपल मैडम, आप एक काम करो, मेरी बात कराओ सबके से। लो आ जाओ, बात करो अपने प्रिय विधायक जी से। मैं अपने फोन से कर लूंगा, नेटवर्क भी रिचार्ज हुए। आ जाओ। हेलो भैया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अब आना आप वोट लेने विधायक जी। बड़ी बात। ओ रेड लाइट आ गई। विधायक साहब की तो रेल बनाई रखी है, मेरी बना दे आज। मैं किस बात की विधायक साहब की रेल, वे भी तो मुझसे अपने 50 काम निकलवावे, प्रचार प्रसार हर जगह बुलवावे मुझे। आज तो बचा लिया विधायक ने, पर ये सोर्स मेरे पापा के वहां नहीं चलेगी तेरी। ओ मैडम, तुमसे ज्यादा जमीन हम पे, तुमसे ज्यादा गाड़ी हम पे। चार तो घर है, वो भी 5 मंजिल के 6 लेंटर गिरे हुए। इंग्लिश लैंग्वेज, हर कमरा में एसी, फिर दिक्कत कैसी? 11वीं फेल से क्यों शादी कराएंगे मेरे पापा? जी हाँ, 11वीं फेल। मुझे टॉपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता और उसने अवार्ड अपने लोंडा को दे दिया, मेरी जगह। और भाभी तुम्हारे खुद के पापा तो 8वीं फेल है। वो भी वैसी बताए, बस कागजन में मुझे तो 5 ही फेल लगे। यार इसमें ये इस फोन में कैसे आ सकती है ये रिंगटोन? पापा ना एक महिला की गेल घूम रहा, गर्भवती महिला। मो ऐसा लग रहा है संपत्ति में बंटवारे की तैयारी है। ये तेरे पापा ना करे ना दिया मेरी गेल, तेरे पापा का पापा भी करेगा। हट ना करा, गेर मार गेर मार गेर मार। डॉक्टर ने 5 दिन बाद फिर आने के लिए कहा है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पंगा होता नजर आ रहा है भाई। बुढ़ापे में मान रहा। वाह ससुर जी वाह। अरे काय बात के ससुर जी, मैं तो ना कहूँ तुम्हें आज से ससुर जी, जहाँ देखी नारी वहीं आ तुम्हारी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको एक बार अपनी धर्म पत्नी का ख्याल करना चाहिए था, जो स्वर्ग में से सोचती होंगी कि मेरा ये पति। दीदी नमस्ते, घर में सब ठीक? कि मेरा ये पति क्या कर रहा है? अरे थोड़ी तो शर्म रखो, बुढ़ापे में फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। वाह, और अपनी लड़की को क्या कहते हो तुम? लव मैरिज नहीं करनी, और उसके पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपको पता है आपके बराबर में जो वहां से खड़ा है ना, ये एक सुंदर सुशील कन्या का पापा है। हाँ भाई साहब, मुझे पता है, और वो सुंदर सुशील लड़की मुझे प्यार से बुआ बुलाती है। ये मेरे भैया हैं और मैं इनकी दीदी। दीदी दीदी, छोटी बहना भी नहीं, दीदी। बुआ जी। हाँ जी, राम राम विधायक जी। लग गए पनौती। अरे दरोगा जी, कैसे बिठा लिया इसको, छोटा भाई है अपना। अरे साहब, जवानी में ये काम तो हम भी बहुत करते थे, आपने भी तो करे होंगे।
खुद सगा भाई इन कामों में एक नंबर का एक्सपर्ट था। विदाई जी, कैसे संस्कार हैं आपके? भाई बहन को पति पत्नी बोलते हो आप भी? भाई क्या बोल रहा भैया? और नहीं तो क्या? विदाई भैया नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई। दरोगा साहब ने पकड़ लिया, सब बाइक चला के ला रहा है। तनक इनसे बात करके छुड़वाई हूँ मैं, कर रही हूँ इनसे सेटलमेंट, जल्दी कर रही हूँ। मुझे ना वर्षा की गर्ल टिक्की गोलगप्पे भी खाने जाना है। अरे कभी हमें भी खिला दिया कर टिक्की गोलगप्पे। चल कोई नहीं, तो बात करा करवाता हूँ बात। दरोगा साहब, विधायक साहब स्पीकिंग। दरोगा जी बात करो दरी सोते साहब जरा। हाँ जी बात कराता हूँ। ले भाई बात कर। डर गए क्या? अबे कर ले बात कर ले। हाँ विधायक भैया। बेटा मैं तेरी कब तक टट्टी साफ करता रहूंगा? अरे कदे तो सच बोल लिया कर महाराज। आपको तो पता है मैं ना सच्चा आशिक हूँ वर्षा का। तीसरे झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। के चक्कर में ना छोटे मोटे मुझसे हो जावे कान लग जावे फिर मेरी बात। यार कुछ भी कह ये बढ़ाना कैसा ही सही, लड़का दिल का साफ है, छोटे बाजी के चक्कर में बर्बाद हुआ जा रहा है। और थोड़े दिन बाद ना वो शादी के मंडप में चक्कर काटती दिखाई देगी तेरे को किसी और के साथ। लाशें बिछा दूंगा लाशें। ये सली देगा तू नहीं जाएगा। वर्षा की शादी में कारपेट बिछा हुआ तू देख लिए क्योंकि परसों से देख ले लड़के वाले यार लग रहे हैं। ओ लाई विधायक ओपी बैन जितनी तने क्लास पास नहीं करी ना उससे ज्यादा दोस्त के पास डिग्रियां हैं। पर भैया वर्षा तो मेरा बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना है। बचपन का प्यार भूल जाए उसमें। और सुन इस बार मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लड़के वाले मेरे गांव के हैं समझा। भैया एक बात याद रखना, नहा धो के नहर में तूफान मचा देंगे शहर में। पर्सनैलिटी जहर है बाबा की पूरी मेहर है। एक और बात, मेरे और वर्षा के बीच में जो भी आए ना वो घोड़ी पे बैठ के नहीं गधे पे बैठ के जाएगा। देखो अब क्या करता हूँ मैं। पता नहीं भाई वो लड़का ही नया केक ऑर्डर करेगा। कोठी बढ़िया भाई। तो जी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास बाबा। और क्या जी 250 गज का मकान है, वॉशिंग मशीन है, 41 इंच का टीवी है, कार है और वो भी सेकंड हैंड सीएनजी वाली। बाबा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और तो और जी हमारा लड़का ना अंग्रेजी सीरियल देखता है वो भी इंग्लिश में है। मैं आपको फिर सैल्यूट करता हूँ। पानी गिर के नाली है तो साहब जी नमस्ते। नमस्ते। साहब जी मेहमान आए हुए हैं इनके लिए पिसलरी का पानी लाना है या गड़े का लिया है? अबे अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई इंसान इतना खुद गर्ज कैसे हो सकता है? साहब जी आप हमें भूल गए। साहब जी भूल गए मत दो हमें 2 महीने की तनख्वाह, पर ऐसे हमें जलील तो मत करो मेहमानों के सामने। आपने हमारी दिन रात कुत्ता कचहरी करी लेकिन हम आपको कुत्ता कचहरी नहीं करेंगे। आपके मेहमान कुत्ता कचहरी हम इनकी सेवा करेंगे। बताइए क्या लाना है? वैसे जी ये है कौन है? ये बताओ ना कौन है, बताओ जो हम है कौन। ये हमारे नौकर हैं। ये फंस गए। नौकर जी जाओ हमारे मेहमानों के लिए और भी खाने पीने का सामान लेके आओ भर भर के। गो गोवा गॉन गॉन। बेटी तुम हम बुड्ढों में बैठ के क्या कर रही हो? जाओ हमारे दामाद जी को छत दिखा के आओ। ये सब काम तो मैं कर लेता हूँ ना ससुर जी। ससुर जी मतलब साहब जी निकल गई मुझसे माय मिस्टेक। आइए मैं आपको लेकर आइए आइए। अरे है ये हाथ मांग लिया।
इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप, अगला पार्ट ज़रूर देखना। तो अभी तक की वीडियो के लिए बात कर लेते हैं। अभी तक के तो दो टॉप मोमेंट्स लगे, एक तो वो जो सीढ़ी वाला कि भाई बंदा छत पे लटक गया, सीढ़ी लेके चलते ही बने ऐसे तो पट्टे पाल लग के हैं। फिर दूसरा वो भाई बहन वाला सिस्टम जो भाई कहाँ से आती है यार, ये तो जो थॉट्स भाई जो भी है स्क्रिप्टिंग बढ़िया होती है, कहने का मतलब पूरा एक इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि आदमी को लगता है कि यार कहाँ जाके बंदा अपनी किस्मत फोड़ रहा है। तो चलिए, अब मेरे को लगता है शायद आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस पार्ट को लाइक ज़रूर दे, ये है पार्ट वन। और आगे का जो पार्ट है कि अब क्या होता है, वो लड़का छत पे लेके जाना चाहता है, अमित भाई वहीं हैं, वर्षा वहीं हैं और ये दूल्हा भी यहीं हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।